हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान फिटनेस फ्रीक है। वह एक्टिंग के अलावा अपनी दमदार बॉडी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। 55 साल के सलमान फिटनेस के मामले में यंग एक्ट्रेस को भी मात देते हैं। सलमान ने अब अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की है जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। तस्वीर ऐसी है कि सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाई है। वैसे तो सभी को मालूम है कि सलमान खान के काफ़ी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, लेकिन अगर सच्चे प्यार की बात की जाए तो वो उन्हें शायद कैटरीना से ही हुआ था। लेकिन अब उन बात उनकी बॉडी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की हो रही है, तो उनकी बॉडी तो सभी लोगों ने देखी और वो किसी भी फिल्म में मौका नहीं छोड़ते अपनी बॉडी दिखाने से। वहीं सलमान ने अपनी इस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वह शर्टलेस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कैप पहन रखी है। सलमान ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये बीइंग ह्यूमन की टोपी अच्छी है ना। फोटो में सलमान खान अपने सिक्स पैक्स एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। सलमान की इस फोटो पर एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने रिएक्शन दिए हैं। उन्होंने कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी शेयर किया है। सलमान के फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। एक फैन ने लिखा, आप भी क्या मजाक करते हैं, जब आप शर्टलेस हो तो टोपी पर ध्यान किसी बेवकूफ का ही जाएगा। दूसरे फैन ने लिखा है कि ईस्ट और वेस्ट भाई की बॉडी सबसे बेस्ट। सलमान की इस फोटो को 10 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। मालूम हो कि सलमान खान और संगीता बिजलानी 90 के दशक में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान पिछली बार फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने बहनोई आयुष शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस मूवी को बहुत पसंद किया गया और क्रिटिक्स में भी जमकर तारीफ की। इन दिनों सलमान फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में बजरंगी भाईजान के सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है। बाकी अगर अभी तक आपने ये पोस्ट नहीं देखा है तो हमारी वीडियो में तो आप देख ही लेंगे, लेकिन आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी ज़रूर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड ने क्या कमेंट किया है और उस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।